हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आ गए हैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में करेंगे हम प्रश्नावली 5.3 का 15वां क्वेश्चन, ठीक है? तो जो 14वां क्वेश्चन है हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके हमारे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखो, आज हम 15वां क्वेश्चन करेंगे। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है? देखो, कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। नुका है, अगर मान लो हम किसी कार्य को नहीं करते ना, मतलब हम कुछ छुट्टी करते किसी कार्य पर, ठीक है? हम किसी कार्य पर लगे हुए हैं और छुट्टी कर लेते हैं, तो छुट्टी करने के अगर हम एक दिन की छुट्टी करते हैं तो हमें 200 रुपये का जुर्माना लगता है, ठीक है? मतलब पहले दिन का जुर्माना कितना है, 200 रुपये है। फिर अगले दिन का कितना है, 250 रुपये है। तीसरे दिन का कितना है, 300 रुपये। ऐसे करते करते मतलब जुर्माना बढ़ता जाता है। एक बात देखो ध्यान से, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। मतलब जो कह रहा है, अगर हमें देखो पहले दिन का जुर्माना कितना है, 200 रुपये है, ये रहा 200 रुपये। दूसरे दिन में कितना है, 250 रुपये। तीसरे दिन का 300 रुपये है। अभी कह रहा है कि प्रत्येक दिन के किराए में बढ़ोतरी 50 रुपये हुई है, ठीक है? वैसे में दिखाई दे रहा है 50 रुपये हुई है। तो कह रहा है ऐसे एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है। कह है अगर मान लो हम 30 दिन की छुट्टी कर लेते हैं तो हमें कितना जुर्माना देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो एक सेकंड, अब देखो मान लो पहले दिन का जो जुर्माना वो है 200 रुपये, ठीक है? वो जो दूसरे दिन का कितना है, 250 रुपये। फिर तीसरे दिन का 300 रुपये। फिर ऐसे करते चौथे दिन कितना होगा, 350 रुपये। अब ऐसे करते 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 हमें कितने दिन तक छुट्टी करी है, 30 दिन तक। यानी जो 30वां दिन होगा वो कितना होगा हमें नहीं पता, ठीक है? यानी जो एन है लास्ट है, जो हमें नहीं पता कितना दिन है। तो एक बात देखो तुम ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे एन कि पहले हम देखो हमारे पास दिया हुआ है दिन कितने है, 30 है। यानी जो एन की वैल्यू है वो कितनी हमारे पास, 30 है, ठीक है? और जो ए की वैल्यू है वो कितनी हमारे पास, 200 है। और जो डी कितना है, वो है 50, क्योंकि 50 रुपये बढ़ोतरी होती है प्रत्येक दिन, ठीक है? ओके, अब हम पहले निकालेंगे ए एन। देखो ए एन निकालते हैं, ए एन मतलब लास्ट टर्म, ठीक है? तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? तो ए कितना हमारे पास, 200 है, प्लस एन 30 है, यानी 30 माइनस 1 29, इंटू डी, डी कितना है, 50, ठीक है? अब 200 तो एज इट इज, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पानी 45, यानी 5 असल 4, ठीक है? फिर 5 × 10, 10 और 4 14, यानी 1450। अब इनको ऐड करते हैं, देखो 0 एज इट इज, 5 0 5 5 4 और 2 6 और ये 1, ठीक है? यानी 1650। जो ए एन की वैल्यू हमारे जो पास आई है वो कितनी है, 1650, ठीक है? अब आगे देखो, अब हमें क्या करना है कि टोटल रुपए बताने हैं। अगर हम 30 दिन तक कार्य विलंब करते हैं तो टोटल जो रुपए है वो कितने पे करने पड़ेंगे हमें, ठीक है? वो करना है। तो यानी हमें एस एन फाइंड करना है, एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? अब देखो n कितना है, n वही 30 हमारे पास है, 30 बटे 2, 2a a कितना है, 200, और 200 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, यानी 2a प्लस एन माइनस 1, यानी 30 में से 1 गया तो 29, इंटू डी, डी कितना है वही 50, ठीक है? अब इसको कट करते, पहले यहाँ आएगा 15, ठीक है? या 400 तो एज इट इज, प्लस यहाँ कितना हुआ था मेरे पास, 1450, इनके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450 आएगा, ठीक है? अब इनको ऐड करते, देखो गुणा लिख दूँ, इसको ऐड करते पहले 0
पाँच नहीं पाँच, चार और चार आठ, और ये एक एज इट इज। ठीक है, अब जो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे वो कितनी आएगी, वो 27,750। ठीक है, तो ये हमारा एसएन है, मतलब सम है। अगर हम 30 दिन तक वहाँ पे नहीं जाते, कार्य पे नहीं जाते हैं, तो कितना जुर्माना पे करना पड़ेगा हमें, 27,750 रुपये। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। और हाँ, एक बात और देखो, जो एन है ना, एन ये हमें क्यों निकाला है, इस बात का इसकी देखो पहले क्यों निकाला। देखो, एन के लिए हम एक बात और कर सकते हैं, मतलब एक काम और कर सकते हैं। अगर मैं एसएन का जो फॉर्मूला था ना, एसएन वो होता है एन बाई टू, यहाँ पे ए प्लस एल भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ए प्लस एल, एल मतलब वही एन होता है। ठीक है, एन होता है, तो देखो एन बाई टू यानी 15 इंटू ए, ए कितना हमारा 200 प्लस एल, एल कितना है 1650, यानी 15 गुणा में इनके ऐड करते हैं, यहाँ कितना आएगा 1850। देखो ये कंडीशन है यहाँ पे भी, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे देखो कितना आएगा 27,750। ठीक है, देखो अगर आप लोग ये करके ये करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये भी सही है, आपको जो आसान लगे वो कर सकते हैं। तो इतना ही था, अगर आपको वीडियो समझ आई, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।